वेलकम एवरीवन, स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे आज से, जिसमें आने वाली एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? इसमें ऑप्शन है कनाडा, कनाडा या चिली। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य चिली बना है? और अगला प्रश्न, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 87 घोषणा की है? हाल ही में वेस्ट इंडीज किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 87 घोषणा की है? काइल मेयर्स, सुनील नारायण या जेसन होल्डर? सुनील नारायण ने 87 की घोषणा की है। अगला, सैयद पुस्तक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने? सैयद पुस्तक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब ने जीता है। और विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? एंजेलो मेटूल, एंजेलो मैथ्यूल पहले क्रिकेटर बन गए श्रीलंका के ये बल्लेबाज थे, और इनकी अपोज टीम बांग्लादेश के साथ विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें एंजेलो मैथ्यूल को 3 मिनट के अंदर पहली गेंद खेलने के कारण इसे आउट करार दिया गया था। अगला, दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में या हेग में? दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच हेग में आयोजित किया गया था। आगे, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सॉरी अनुराम ठाकुर ने। बाल विकास महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रोहित ऋषि को, प्रवीण मधुकर को, मनोरंजन मिश्रा को? रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अपना किन क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोलेगा? USA में, संयुक्त अरब में या ऑस्ट्रेलिया में? संयुक्त अरब में खोलेगा। हाल ही में IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर, ओला उतान या नई दिल्ली? सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। और हम ऐसे ही करंट अफेयर क्लास लेके आते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।